हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब ACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं, आज के इस पूरे सेशन में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं ओवरऑल इंडिया में, आप लोगों को पता है, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म भी किया है, मेडिकल की जो काउंसलिंग है फर्स्ट राउंड की ओवरऑल इंडिया में डन हो चुकी है। सेकेंड राउंड के भी आप लोगों के काफ़ी स्टेट हैं जिनकी काउंसलिंग जो है प्रोसेस में है, और कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जिनका सिर्फ रिजल्ट ही आपका जो है पेंडिंग है, बाकी सारा उनका जो काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड आफ्टर दैट फाइनल आप लोगों का जो होता है रिजल्ट, सिर्फ रिजल्ट ही पेंडिंग है। तो आज का जो फ्रेंड्स हमारा पूरा टॉपिक रहने वाला है इस सेशन में, वो फ्रेंड्स हमारा रहने वाला है फर्स्ट राउंड की जो ओवरऑल स्टेट्स में हमारी क्लोजिंग कट ऑफ्स गई हैं, फिर चाहे वो आपका यूपी हो, डीम्ड का और ऑल इंडिया कोटा का हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था, सेपरेट वीडियो बनाई थी तो हम उसको नहीं लेंगे। यूपी हो गया, गुजरात, केरला, आप लोगों का HP, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब और भी आप लोगों के काफ़ी ओपन स्टेट हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग के कंपैरिजन से, कि सेकंड राउंड में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारी वो क्या जाएगी, और साथ ही साथ हम लोग फ्रेंड लास्ट ईयर की जो हम लोगों की क्लोजिंग गई थी उनका भी कंपैरिजन करेंगे। उनका कंपैरिजन हम उन स्टेट का करेंगे जिनमें सिर्फ फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, सेकेंड राउंड का नहीं होता है। सेकेंड राउंड क्योंकि वहाँ पर ऑफलाइन होता है, जिसमें से फर्स्ट पर आता है आप लोगों का राजस्थान। एंड सेकेंड फ्रेंड हम लोग HP की बात करेंगे। HP में आप लोगों का काउंसलिंग का प्रोसीजर तो ऑनलाइन ही रहता है, रिजल्ट भी वेबसाइट पर डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन आप लोगों को पता है हिमाचल के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें इतनी सीट्स नहीं हैं कि आप लोगों का जो वो लास्ट राउंड तक का लेके जाए या कट ऑफ बताई जा सके, तो हम उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, और आज के सेशन में फ्रेंड हम लोग जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं आपकी, जो कि आपकी तमिलनाडु में है और पौंडुचेरी में, डीम्ड ओवरऑल इंडिया में है 49 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से फ्रेंड्स काफ़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी का होता है कि वो अपनी जो फीस होती है वो अपनी मॉपअप राउंड में, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक में कम कर लेती हैं, और साथ ही साथ आपके राजस्थान में भी फ्रेंड जो फीस है वो कम हो गई है, तो हम उसी के बारे में आज के सेशन में बात करने वाले हैं। पहले हम लोग क्लोजिंग कट ऑफ देख लेते हैं तमिलनाडु स्टेट की। तमिलनाडु आप लोगों को पता है एक ओपन स्टेट है, तमिलनाडु में अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो तमिलनाडु में CMC वेल्लोर, आप जानते हैं CMC वेल्लोर टॉप बेस्ट कॉलेज में आता है, नंबर वन पे कॉलेज में आता है CMC वेल्लोर, क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है, लेकिन इसकी काउंसलिंग का भी आप लोगों को क्राइटेरिया पूरा पता है, हमने आपको वीडियोस के थ्रू भी बताया हुआ है कि इसकी काउंसलिंग जो होती है CMC वेल्लोर की, तमिलनाडु का जो कॉलेज है आप लोगों का, इसकी फ्रेंड्स आप लोगों के रजिस्ट्रेशन पहले ही हो जाते हैं। अगर आप CMC वेल्लोर के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको पहले करने होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं CMC वेल्लोर में जो कैंडिडेट्स गए हैं उनकी, तो उनकी जो क्लोजिंग गई है फर्स्ट राउंड में वो 671 गई है। और आप लोगों के जो मैनेजमेंट कैटेगरी की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट यानी अदर स्टेट के कैंडिडेट जो तमिलनाडु में सीट जिन कैंडिडेट्स ने ली है प्राइवेट कॉलेजेस में, तो लास्ट सीट जो कैंडिडेट को अलॉट हुई है वो 446 मार्क्स पे अलॉट हो गई है। तो CMC वेल्लोर में फ्रंट सेकेंड राउंड में जो एक्सपेक्टेड है वो 367 तक जो आप लोगों की कट ऑफ है वो क्लोजिंग जा सकती है, और मैनेजमेंट के लिए लास्ट सीट 438 के स्कोर तक मिल सकती है। और ऐसे ही गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट में जो क्लोजिंग गई है वो आपकी गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट में भी आप लोग जानते हैं कि कैटेगरी होती है, गवर्नमेंट की जो काउंसलिंग होती है वो कैटेगरी बेस पे होती है कि जनरल है, SC है, ST है, OBC है या EWS है, हर स्टेट की अपनी पर्टिकुलर उन लोगों की अपनी कैटेगरीज होती है। तो गवर्नमेंट OC की बात करें तो 584 पे कैंडिडेट को लास्ट सीट अलॉट हुई थी, BC को 531 पे, BCM को 505 पे, MBC को 498 पे, और गवर्नमेंट SC को 409 पे, और गवर्नमेंट SCA को 355 पे, एंड ST को 311 पे। एक्सपेक्टेड की बात करें तो फ्रेंड तमिलनाडु में सेकंड राउंड में जो आप लोगों की कट ऑफ है वो आप लोगों की कम जाती है, तो हम कंपैरिजन करते हैं अगर लास्ट ईयर से, तो फ्रेंड गवर्नमेंट OC की 575 तक जा सकती है, BC की 525 तक, और ऐसे ही आप लोगों की जो BCM है उसकी जो क्लोजिंग कट ऑफ है 490 तक जा सकती है, और गवर्नमेंट MBC के लिए जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होगा 490 तक, गवर्नमेंट SC के लिए 400 तक, SCA के लिए 345 तक, और ST के लिए 300 तक। और तमिलनाडु स्टेट में फ्रेंड आप लोगों की सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गई है, रजिस्ट्रेशन आप लोगों के प्रोसेस में, तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों की चॉइस फिलिंग की भी जो डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। ये हो गई तमिलनाडु की। नेक्स्ट स्टेट पर हम लोग चलते हैं गुजरात। तो गुजरात आप लोगों को पता है एक क्लोज स्टेट है, गुजरात में अदर स्टेट के कैंडिडेट्स काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज के सेशन में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ओवरऑल इंडिया की जो आप लोगों के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं फर्स्ट राउंड के,
उसके बेस पे कर रहे हैं। तो जनरल को जो लास्ट सीट अलॉट हुई है 595 पे हुई है, ईडब्ल्यूएस को 593 पे सीट अलॉट हो गई है, और गवर्नमेंट एससी को 571 पे, एस और सी कैंडिडेट जो एसई वहाँ पे कैटेगरी है, एससी की जो अलॉट हुई है वो 501 पे, एसटी को 305 पे, और गवर्नमेंट एनआरआई को जो वहाँ के आप लोगों के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें 146 पे लास्ट सीट जो है वो अलॉट हो गई है। और सेकंड की एक्सपेक्टेड की बात करते हैं तो आप लोगों की जो गवर्नमेंट की जनरल के लिए है वो 590 और ईडब्ल्यूएस के लिए 588, एसई कैंडिडेट्स के लिए 563 तक एक्सपेक्टेड है, और गवर्नमेंट एससी के लिए 490, गवर्नमेंट एसटी के लिए 296 और गवर्नमेंट एनआरआई के लिए 142। तो फ्रेंड ये जो आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे शो हो रही है ये लास्ट ईयर के कंपेरिजन से बनाई गई है, लास्ट ईयर के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए। ऐसे ही हम लोग हरियाणा की बात कर लें तो फ्रेंड हरियाणा आप लोगों को पता है कि हरियाणा जो है, हरियाणा में काफ़ी कैंडिडेट्स काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं क्योंकि हरियाणा एक ओपन स्टेट है और वहाँ पे आप लोगों को सही मार्क्स पे भी कॉलेज जो है वो मिल जाता है, प्राइवेट कॉलेज जो मिल जाता है। लेकिन हरियाणा में आप लोगों को पता है फीस में जो है, हरियाणा में कुछ कॉलेजेस में आप लोगों का इंक्रीमेंट होता है पर ईयर, इंक्रीमेंट आप लोग जानते हैं कि अगर 12 लाख फीस है और आप लोगों को एवरी ईयर 5 से 7% तक का एनुअल इंक्रीमेंट ऐड करके देना होता है, तो फर्स्ट ईयर में अगर आप लोग 12 लाख ट्यूशन फ़ी पे करते हैं तो सेकंड ईयर में आपको 12 लाख में 7% इंक्रीमेंट ऐड करके ट्यूशन फ़ी पे करना होगा। ऐसे ही आप लोगों का थर्ड ईयर, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर तक चलता रहता है। तो आदेश कॉलेज आप लोग जानते हैं हरियाणा का कॉलेज है आदेश। आदेश की बात करें तो फर्स्ट राउंड में 478 पे क्लोज हुआ है। एनसी जो कॉलेज है आप लोगों का 381 पे, वर्ल्ड झज्जर जो कॉलेज है आप लोगों का 337 पे, अल्फला आप लोग जानते हैं अल्फला माइनॉरिटी का कॉलेज है लेकिन माइनॉरिटी के कॉलेज में भी जनरल की सीट जो होती है वो अवेलेबल होती हैं। तो और एसजीटी जो है आप लोगों का 370 पे क्लोज हुआ है, और हम लोग अगर एक्सपेक्टेड लगाते हैं तो एक्सपेक्टेड सेकंड राउंड में जो आपका आदेश है वो 300 पे क्लोज हो जाएगा। एनसी मेडिकल कॉलेज 196 पे, एंड वर्ल्ड झज्जर आप लोगों का 180 मार्क्स पे, अल्फला जो है वो 228 पे, एंड एसजीटी जो आप लोगों की यूनिवर्सिटी है वो आप लोगों की 270 तक जो है वो क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन की जा सकती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप लोगों की सेकंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है क्योंकि आप लोग जानते हैं हरियाणा में आप लोगों को 230 प्लस आप लोगों के मार्क्स होते हैं 200 के आसपास, तो आप लोगों को सीट जो है वो मिल जाती है। गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जनरल के लिए 609 क्लोजिंग गई थी फर्स्ट राउंड में, बीसीए के लिए 577, बीसीबी के लिए 598, ईडब्ल्यूएस के लिए 600 और गवर्नमेंट एससी के लिए 502। ऐसे ही एक्सपेक्टेड की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जनरल को 600 पे जो सीट है वो सेकंड राउंड में एक्सपेक्टेड है कि मिल सकती है, और गवर्नमेंट बीसीए के लिए 570। आप लोग देख रहे हैं अब तक जितने भी स्टेट की हमने बात की है सब में कट ऑफ कम ही होता चला आ रहा है क्योंकि इस साल आप लोगों को पता है काउंसलिंग के रूल्स चेंज हुए थे, काफ़ी स्टेट ने अपनी काउंसलिंग के रूल्स चेंज किए थे क्योंकि काफ़ी स्टेट थे जिनकी जो थी फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी नहीं जाती थी लेकिन इस साल सिक्योरिटी भी गई थी, उनके नॉर्म्स क्लॉज जो वगैरह थे वो भी चेंज हुए थे। तो उसके बेस पर जो अगर आपके हम कट ऑफ को लेके बात करते हैं तो गवर्नमेंट के लिए जो कट ऑफ है आप लोगों की 600 तक आप लोगों के एक्सपेक्टेड है कि सेकेंड राउंड में हरियाणा में सीट मिल जाएगी, बीसीए कैटेगरी को 570 तक, बीसीबी को 590 तक, और ईडब्ल्यूएस को 592 पे, और गवर्नमेंट एससी को 498 पे। और गवर्नमेंट का आपको काउंसलिंग का पैटर्न पता होता है कि गवर्नमेंट का जो काउंसलिंग का पैटर्न होता है वो फर्स्ट राउंड में आप रहता है ना, आपका सेकेंड एंड मॉपअप जैसे ही होता है वो आप लोगों की कट ऑफ जो है वो कम होती चली जाती है, फर्स्ट राउंड में सबसे हाई जाती है और उसके बाद जो है कट ऑफ आप लोगों की कम होती हुई आती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं केरला स्टेट की, तो केरला में फ्रेंड आज ही आप लोगों के रिजल्ट की सेकंड राउंड के डिक्लेरेशन की डिटेल है लेकिन अभी तक आप लोगों का रिजल्ट जो है वो वेबसाइट पे आया नहीं है। तो एसएम की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट की अभी हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, तो आप लोगों को पता है केरला में काफ़ी कैटेगरीज है जिसमें से एक एसएम स्टेट मेरिट पे जो बच्चे जाते हैं उनकी 630 फर्स्ट राउंड में आप लोगों की जो क्लोजिंग हुई थी, और सेकंड की बात करते हैं तो 615 तक कैंडिडेट को सीट मिल जानी चाहिए। ईडब्ल्यू कैटेगरी की वहाँ के लिए बात करते हैं तो 580 पर लास्ट सीट अलॉट हुई थी, इस बार जो है सेकंड राउंड में एक्सपेक्टेड 572 मार्क्स पर कैंडिडेट को सीट अलॉट हो सकती है। ईजावा जो वहाँ की कैटेगरी है 616 पे कैंडिडेट को लास्ट सीट अलॉट हुई थी, 612 जो है वो आपकी एक्सपेक्टेड सेकंड राउंड की कट ऑफ है। एलए का मतलब है कैथोलिक एंड एंग्लो इंडियन वाली जो आप लोगों की कैटेगरी है उस पर जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी 578 पे हुई थी। और MU यानी मुस्लिम माइनॉरिटी की हम बात करते हैं तो मुस्लिम माइनॉरिटी पे 620 पे जो लास्ट सीट है वो कैंडिडेट को अलॉट हुई है,
और अगर सेकंड की बात करते हैं तो 608 तक आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। और बाकी की जो हमारी कैटेगरी है जिसमें हमारा LADV BKK NSC ST एंड BH जो हमारे हैं इनकी फुल फॉर्म्स भी आगे मेंशन है, तो इनमें जो डिफरेंस फ्रेंड देखने को मिल सकता है 5 से 10 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकता है। 5 से 10 नंबर तक कट ऑफ जो है यहाँ पे वो लो जा सकती है। अब ऐसे ही हम बात कर लेते हैं केरला के प्राइवेट कॉलेज की, तो AM वहाँ पे ऑल इंडिया मेरिट पे जो लास्ट सीट अलॉट हुई है कैंडिडेट को, अदर स्टेट के कैंडिडेट को 550 मार्क्स पे, रैंक वाइज आप लोग देख सकते हैं 3650 पर लास्ट सीट अलॉट हो गई है। और सेकंड राउंड में 535 तक है जो वो कट ऑफ जा सकती है। NRI की बात करते हैं तो NRI में जो लास्ट सीट अलॉट हुई है केरला में 179 मार्क्स पे कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई है। और अगर सेकंड की बात करते हैं तो आपका सेकंड राउंड में 150 तक कट ऑफ जा सकता है। पंजाब स्टेट की बात करते हैं तो पंजाब आप लोगों को पता है एक क्लोज स्टेट है, लेकिन पंजाब के भी अपने जो उन लोगों के क्लॉज हैं कि अगर आपने वहाँ पे कुछ क्लॉज, हर स्टेट के अपने डिफरेंट होते हैं, आप लोग क्राइटेरिया के बेस पे होते हैं, काफ़ी स्टेट में क्लॉज आपकी प्रॉपर्टी के बेस पे भी होते हैं, जिसमें से एक राजस्थान भी है कि अगर आपकी ने जो आपकी कुछ प्रॉपर्टी है वो राजस्थान में काफ़ी टाइम से है, वहाँ के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों की 5 ईयर से होनी चाहिए, तो 5 ईयर से पहले तक आप लोगों की प्रॉपर्टी है वहाँ पे, है आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप वहाँ की काउंसलिंग के लिए, जो वहाँ की आप जानते हैं कि आप लोगों की राजस्थान में भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट काउंसलिंग होती है, तो आप वहाँ के इस क्राइटेरिया के अंदर आ जाते हैं। उसमें से फ्रेंड्स एक पंजाब भी है आप लोगों का, तो पंजाब के भी यही क्लॉज होते हैं। पंजाब में डिफेंस कोटा भी चलता है, लेकिन डिफेंस कोटा के ऊपर हमने पूरी प्रीवियस लास्ट वीडियो जब बनाई थी तब हमने आप लोगों को बताया था, डिफेंस कोटा में भी प्रायोरिटीज़ होती हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फर्स्ट टू 8 प्रायोरिटी तक चलता है उसमें, जो आप अगर आते हैं तो डिफेंस में आप लोगों को सीट मिल जाती है। तो ओपन की बात करें तो लास्ट क्लोजिंग 598 पे हुई है। BC की गवर्नमेंट की बात करें अभी हम लोग, BC को 557 पर लास्ट सीट मिल गई है। EWS कैंडिडेट को 560 पर लास्ट सीट मिल गई है। SC कैंडिडेट को 400 मार्क्स पे, NRI कैंडिडेट को 117 पे, और जो हैंडीकैप्ड होते हैं 112 पे, एंड जो BR AR का मतलब बॉर्डर एरिया वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें 571 पे लास्ट सीट मिल गई है। एक्सपेक्टेड में फ्रेंड हम लोग बात करते हैं तो ओपन की जो क्लोजिंग है वो 588 तक जा सकती है। OBC जो BC वहाँ की है 549 तक, EWS 550 तक, और ऐसे ही आप लोगों की SC जो है वो 390 तक, और NRI जो है आप लोगों की 115 मार्क्स तक जो जा सकती है। हैंडीकैप जो है आप लोगों की 111, यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं है। बॉर्डर एरिया और डिफेंस में फ्रेंड ये होता है, लास्ट ईयर अगर हम लोग पंजाब का कंपैरिजन करते हैं तो फर्स्ट राउंड में कैंडिडेट्स को जो थी कम मार्क्स पे सीट अलॉट हो गई थी, लेकिन सेकंड राउंड में कट ऑफ जो थी वो हाई हो गई थी। तो यानी कि डिफेंस कोटा बॉर्डर एरिया में फर्स्ट राउंड में कट ऑफ जो है आप लोगों की यहाँ मेंशन है, लेकिन ये कट ऑफ सेकंड राउंड में जो है वो हाई जा सकती है। लास्ट ईयर से आप कंपैरिजन फ्रेंड्स अगर हम करते हैं तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस आया था, 300 प्लस पे लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी, वहीं अगर हम लोग सेकेंड राउंड का देखते हैं तो 500 प्लस आप लोगों की सीट जो थी लास्ट डिफेंस कोटा को अलॉट हुई थी। अब हम सेमी गवर्नमेंट की बात करते हैं। सेमी गवर्नमेंट आप लोग जानते हैं पंजाब के प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें जो है स्टेट की सीट्स भी अवेलेबल हैं, उनकी जो फ़ीस है वो उन लोगों वो अदर कॉलेजेस से मैनेजमेंट की फ़ीस से जो फीस है वो डिफरेंट है, उससे कम है। ओपन की बात करते हैं 522 पे लास्ट सीट मिली है। BC कैंडिडेट को 484 पे, SC कैंडिडेट को 306 पे, हैंडीकैप को 130 पे। एक्सपेक्टेड की बात करते हैं तो जो आप लोगों के सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ के, जिसमें कि आपका DMC लुधियाना हो गया, SGRD हो गया जिसमें आपकी सिख माइनॉरिटी चलती है, आदेश मेडिकल कॉलेज हो गया पंजाब का, और भी वहाँ पे कॉलेजेस हैं उनकी बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आप लोगों की कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड ओपन के लिए 490, BC के लिए 470, SC कैंडिडेट को 295 एंड हैंडीकैप को 125 तक सीट मिल सकती है। बॉर्डर एरिया डिफेंस की फ्रंट कट ऑफ हमने ऊपर अभी अर्लियर डिस्कस कर ली है कि जो यहाँ पर है आप लोगों की सेकेंड राउंड में कट ऑफ जो है वो हाई चली जाती है। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो लास्ट सीट 498 पे अलॉट हुई है। BC कैंडिडेट को 357 पे, SC को 142 पे, डिफेंस को 349 पे। और एक्सपेक्टेड की बात करें तो जो ओपन है 450 पर सीट कैंडिडेट को मिल सकती है सेकंड राउंड में, और अगर बात करते हैं BC की तो 345 पे और SC की 142 पे। उत्तराखंड की अब हम बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के आप लोगों को पता है काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया गया है। सेकंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट राउंड में पहले गवर्नमेंट की जो क्लोजिंग गई है वहाँ पे 581 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई है। OBC कैंडिडेट को 557 पे, EWS को 540 मार्क्स पे, SC कैंडिडेट्स को 381 पे एंड ST कैंडिडेट्स को 376 पे। एक्सपेक्टेड की बात करते हैं तो जनरल कैंडिडेट को एक्सपेक्टेड है कि 574 तक क्लोजिंग कट ऑफ जो है वो चली जाएगी। OBC कैंडिडेट को 549 तक,
EWS को 532 तक और SC कैंडिडेट को 374 तक और ST कैंडिडेट्स को 369 तक। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस आपको पता है, एक कॉलेज तो आपका लास्ट ईयर ही आया है। आप लोगों की क्लोजिंग की बात करें तो हिमालय मेडिकल कॉलेज जो है आप लोगों का 404 पे फर्स्ट राउंड में सीट कैंडिडेट को लास्ट अलॉट हुई है। श्री गुरु राम राय में 331 पे एंड गौतम बुद्ध जो कॉलेज है वो 248 पे क्लोज हो गया है। अगर हम क्लोजिंग की बात करते हैं सेकंड की एक्सपेक्टेड की, तो देखिए 370 पर लास्ट सीट कैंडिडेट्स को मिल जानी चाहिए। श्री गुरु राम राय में 250 पे एक्सपेक्टेड है कि लास्ट सीट जो है कैंडिडेट को मिल जाएगी, 250 तक कट ऑफ जो है वो पहुंच जाएगा। गौतम बुद्ध की कॉलेज की बात करें तो 190 मार्क्स पे जो है कैंडिडेट को सीट मिल सकती है। ऐसे फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान आप लोगों को पता है राजस्थान का सेकंड राउंड का शेड्यूल आ गया है। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन भी किया था पूरा शेड्यूल, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग होनी है तो ऑफलाइन काउंसलिंग के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो उन लोगों के डिफरेंट होते हैं, तो हमने उसके बारे में बात भी की थी। अभी फिलहाल हम लोग कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान आप लोगों को पता है ओवरऑल इंडिया में राजस्थान दिल्ली के बाद आपका एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कट ऑफ जो होती है वो सबसे ज़्यादा जाती है आप लोगों की, ठीक है। तो आप लोगों की अगर हमने एक बार देखिए फर्स्ट राउंड में यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ओपन है हमारा टैब फर्स्ट राउंड में जो लास्ट ईयर, क्योंकि फर्स्ट राउंड का ही रिजल्ट आया था, सेकंड राउंड का रिजल्ट ऑफलाइन हुआ था तो सेकंड राउंड का रिजल्ट वेबसाइट पे नहीं आया था। फर्स्ट राउंड में जो सीट थी वो हाईएस्ट जो कट ऑफ थी जनरल बॉयज़ के लिए वो 670 पे सीट अलॉट हुई थी, और सेकंड राउंड के देखते हैं तो 631 तक कट ऑफ जो थी फर्स्ट राउंड की पहुँच गई थी। और इस साल अगर हम लोग डिफरेंस एक बार देख लेते हैं तो देख सकते हैं कि जो लास्ट सीट है जनरल को 626 मार्क्स पर जो है वो अलॉट हो गई है, यानी कि डायरेक्ट यहाँ से 631 से जो हमारा डिफरेंस आया है 626 मार्क्स का, यानी कि 5 मार्क्स का जो डिफरेंस है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो और अगर गर्ल के लिए आप लोगों की जो राजस्थान में काउंसलिंग होती है बॉयज़ गर्ल के लिए होती है कि बॉयज़ की कट ऑफ अलग होती है गर्ल्स की अलग होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्कोर सेम रहते हैं, रैंक में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो जनरल की बात करें जनरल बॉय को 626 पे लास्ट सीट अलॉट हो गई है, गर्ल को 626 पे अलॉट हो गई है, ओबीसी को भी 626 पे बॉय गर्ल दोनों को सीट अलॉट हो गई है, ईडब्ल्यूएस को 623 पे बॉय को और गर्ल को 624 मार्क्स पे, एससी कैंडिडेट को बॉय गर्ल को दोनों को लास्ट सीट जो अलॉट हुई है वो 519 मार्क्स पे हो गई है, एसटी को जो लास्ट सीट अलॉट हुई है वो आप लोगों की जो है वो 504 मार्क्स पे अलॉट हो गई है बॉय को, गर्ल की बात करते हैं तो 502 पे। अब हम लोग एक्सपेक्टेड की बात करते हैं, तो फ्रेंड देखिए एक्सपेक्टेड आप लोगों को पता है कि राजस्थान में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो आप लोगों की अब कट ऑफ जो है वो कम जाएगी, कितनी कम जा सकती है, 602 पे जो है वो यूआर यानी कि जनरल और ओबीसी को सीट जो है वो मिल जानी चाहिए कट ऑफ। अगर हम लास्ट ईयर से कंपैरिजन करते हैं तो सेकंड राउंड में ऑफलाइन होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक कंपैरिजन रखा है कि आप लोगों को जो ऑफलाइन भी काउंसलिंग होगी उसमें कहाँ तक कैंडिडेट को गवर्नमेंट सीट जो है वो मिल सकती है, ठीक है। ओबीसी की बात करते हैं 602, ईडब्ल्यूएस का 601 एंड एससी कैंडिडेट को 500 मार्क्स पे सीट जो है वो मिल सकती है, एसटी कैंडिडेट को 490 मार्क्स पे सीट जो है वो मिल सकती है। अब फ्रेंड हम राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस का हमने फीस डिस्कशन किया था कि राजस्थान के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें जो फीस है वो हाई हो गई है, जैसे कि आपका पैसिफिक की हम बात करते हैं तो 7 लाख की फीस जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, 20-35 लाख आप लोगों की करंटली फीस है पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो आप लोगों का उदयपुर के कॉलेज है पैसिफिक वो, और जो बाकी के भी वहाँ के कॉलेजेस हैं उनमें भी 2-4 लाख की फ़ीस देखने का डिफरेंस आया है फीस में, 2-4 लाख की फ़ीस जो है वो इंक्रीज़ हो गई है राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजेस की। प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट की भी सीट, गवर्नमेंट की भी जो आप लोगों की गवर्नमेंट की फ़ीस है वो इंक्रीज़ हो गई है, तो प्राइवेट की फ़ीस तो इंक्रीज़ होनी ही थी आप लोगों की। लेकिन हम कट ऑफ की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड आप लोग जानते हैं राजस्थान में फ़ीस जो है वो हाई है, फ़ीस बहुत है, तो इसलिए वहाँ पे जो है कैंडिडेट को कम मार्क्स पे भी यानी कि जो क्वालिफाई मार्क्स होते हैं हमारे उन पे भी सीट अलॉट हो जाती है। जनरल कैटेगरी की अगर आप देखते हैं तो जो लास्ट सीट अलॉट हुई है 117 मार्क्स पे जो कि हमारे इस साल के क्वालिफिकेशन मार्क्स थे उस पे अलॉट हो गई है, ओबीसी कैंडिडेट को 106 पे अलॉट हो गई है, एससी कैंडिडेट को 105 पे एंड एसटी कैंडिडेट को 105 पे सीट अलॉट हो गई है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे हम एक बात करना चाहते हैं कि देखिए आप लोगों के राजस्थान की जो फीस है वो इतनी ज़्यादा अब इंक्रीज़ हो गई है तो उसको हर कैंडिडेट जो है पे नहीं कर सकता है, क्योंकि राजस्थान में फ़ीस अमाउंट वैसे ही आप लोगों का ज़्यादा है, अब आप लोगों की फ़ीस जो है वो और इंक्रीज़ हो गई है। तो सेकंड राउंड में कट ऑफ आप जानते हैं कि जिन कैंडिडेट्स को एडमिशन लेना होगा वो क्वालिफिकेशन मार्क्स पर जैसे फर्स्ट राउंड में हुआ है ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन आप लोगों की जो फ़ीस है राजस्थान में वो आप लोगों की सेकेंड राउंड मॉपअप राउंड तक कम हो जाती है,
कम हो जाती है जो आप लोगों की फ़ीस होती है, क्योंकि 35 लाख जो वहाँ की फ़ीस हो गई है, या हम और भी कॉलेजेस की बात करते हैं, तो उस कॉलेजेस को सारे कैंडिडेट्स जो हैं फ़ीस उसकी पे नहीं कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप लोग देखिए काउंसलिंग, अगर आप लोगों ने वहाँ के सेकेंड के लिए मॉपअप के लिए काउंसलिंग की है, तो ऑब्वियसली बात है आपकी फ़ीस जो है वो कम वहाँ पर हो जाएगी। काउंसलिंग अगर आपको अच्छे से पता है कि किस तरीके से करनी है, आप लोगों को इतनी नॉलेज है, हालांकि हम लोग वीडियोस के थ्रू भी आप लोगों को बताते हैं कि काउंसलिंग का जो पूरा पैटर्न है वो कैसा रहता है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो आप लोग काउंसलिंग खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे, आप उन पर भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि अगर फ्रेंड फीस कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कैंडिडेट्स के अगर मार्क्स जस्ट क्वालिफाइंग ही हैं, और अगर फीस भी कम हो सकती है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है अगर कैंडिडेट्स करना चाहता है राजस्थान के लिए काउंसलिंग तो बिल्कुल कर सकता है। तो आप लोगों की राजस्थान और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारी कुछ ऐसी हैं जिनकी फ़ीस जो होती है वो मॉपअप राउंड तक आप लोगों की कम हो जाती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो तमिलनाडु की एंड चेन्नई की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जिनमें आती हैं, जिनकी अभी हम बात करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो साउथ के स्टेट है, एक बार हम डीम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ये फ्रेंड पहली वाला ही हमारा चार्ट है जिसके बारे में हमने अच्छे से पहले वीडियो में जो है डिस्कशन कर रखा है। साउथ के स्टेट्स में फ्रेंड आप लोग जानते हैं फीस जो होती है वो ज़्यादा होती है आप लोगों की, एनुअल ट्यूशन फी जो होती है, लेकिन मॉपअप राउंड तक आप लोगों का काउंसलिंग का ये होता है कि फ़ीस जो होती है वो कम हो जाती है आपके, जिसमें तमिलनाडु के कॉलेजेस आते हैं, चेन्नई के कॉलेजेस आते हैं। देखिए यहाँ पे श्री बालाजी चेन्नई का कॉलेज है, 25 लाख फीस है। VMKB सलेम का कॉलेज है, 20 लाख फीस है। ये आप लोगों का मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज चेन्नई का है, 22.5 लाख फीस है। ACS मेडिकल कॉलेज चेन्नई का, चेन्नई के तो ज़्यादातर जो फ्रेंड कॉलेज है इनकी फीस 22 से 25 लाख तक ही है। और आप लोगों को जो तमिलनाडु के कॉलेज जैसे वेल्स हो गया, भारत हो गया, इनकी भी फीस आप देख सकते हैं 22-23 लाख है। तो अगर आप लोगों को काउंसलिंग का प्रॉपर वे पता है, आप लोगों को आता है, तो आप बिल्कुल नॉलेज है आप लोगों को काउंसलिंग की, तो फ्रेंड्स आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग हमारी भी जो काउंसलिंग की वो हेल्प ले सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो फिलहाल हमने ये डिस्कशन कर लिया कि फीस में कितना डिफरेंस जो है, तो हाँ फीस में डिफरेंस देखने को फ्रेंड्स मॉपअप राउंड तक जो है वो वहाँ पे राजस्थान में डीम्ड यूनिवर्सिटी में, तमिलनाडु में और पौंडुचेरी में फीस जो होती है वो आप लोगों की कम हो जाती है। ठीक है, तो अब हम आगे बात कर लेते हैं। ये तो राजस्थान के लिए हो गई क्योंकि फ़ीस यहाँ की ज़्यादा थी, तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अब हम IPU की बात करते हैं। तो IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो आप लोगों की है, IPU के काउंसलिंग कैंडिडेट्स करना चाहते हैं तो तीन ही कॉलेजेस हैं IPU के। कंडीशन IPU में ये होती है कि आपकी जो 10th, 11th, 12th है वो दिल्ली स्टेट से आपने कर रखी है, और प्लस आपके पास फ्रेंड इतने अच्छे मार्क्स होने चाहिए कि आप लोगों को IPU का कॉलेज जो है वो IPU के अंदर जो आते हैं वो अलॉट हो सके। आर्मी मेडिकल कॉलेज, तो इसमें फ्रेंड आर्मी का जो कोटा चलता है उसके लिए लास्ट क्लोजिंग 593 गई है, एक्सपेक्टेड की बात करें तो 590 तक पहुंच सकती है। यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है IPU कॉलेजेस में। डॉक्टर BSA हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज दिल्ली का है, तो इसकी हम बात करते हैं तो जनरल के लिए जो लास्ट क्लोजिंग आई है वो 652 पे कैंडिडेट को सीट मिली है। एक्सपेक्टेड की बात करते हैं तो ये हाईएस्ट टॉप की 652 था आप लोगों का, अब जो है वो 645 तक जा सकता है। हालांकि फ्रेंड IPU के भी काउंसलिंग सेकंड राउंड की ऑफलाइन होती है, रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं, पेमेंट डन हो गई है, ऑफलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल रह गया है जो कि अभी नहीं आया है। जो शेड्यूल आएगा उसके मुताबिक आप लोगों को एक सेंटर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सेंटर डिफरेंट होते हैं, टाइमिंग डिफरेंट होती है, रैंक डिफरेंट होती है, कैटेगरी डिफरेंट होती है, जो भी उसके मुताबिक होता है आप लोगों को जाना होता है। जो फ्रेंड हम लेटेस्ट अपडेट की वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम जब IPU का शेड्यूल आएगा तो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों की हिंदू राव यूनिवर्सिटी, NDMC मेडिकल कॉलेज दिल्ली का ही है, दिल्ली की ऑब्वियसली बात है IPU दिल्ली की ही यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली की कॉलेजेस होंगे। तो 648 पर लास्ट सीट जो है जनरल को वो अलॉट हो गई है, और एक्सपेक्टेड की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड जो है वो आपकी 640 तक जा सकती है। अब फ्रेंड हम नेक्स्ट बात करेंगे UP स्टेट की, उत्तर प्रदेश स्टेट की। तो UP में आप लोग जानते हैं फ्रेंड कि UP में इस साल आप लोगों का क्या हुआ है कि हम प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करते हैं तो लास्ट 3 ईयर से अगर कंपैरिजन करते हैं तो कट ऑफ में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं, क्योंकि जो माइनॉरिटी के कॉलेजेस होते हैं जिनकी फ़ीस जो है वो 12 लाख 11 लाख 13 लाख वाले कॉलेजेस से काफ़ी डिफरेंट है। ईरा मेडिकल कॉलेज हम ले लेते हैं तो 16 लाख 50 हज़ार फीस है, इंटीग्रल ले लेते हैं तो 17 लाख की फ़ीस है आपकी पर एनम ओनली ट्यूशन फीस। हॉस्टल में ऐसा आप लोगों का सब चीज़ें अलग होती हैं, ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। तो उनमें भी जो कट ऑफ जाती है वो आप लोगों की 111 गई थी लास्ट ईयर अगर हम देखते हैं तो FH आगरा मेडिकल कॉलेज में माइनॉरिटी की, और इस साल अगर हम देखते हैं तो माइनॉरिटी की ही बात करें तो 94 मार्क्स पर माइनॉरिटी का कॉलेज जो है आप लोगों का
क्लोज हो गई है माइनॉरिटी के लिए सीट। और अगर जनरल की बात करते हैं, जनरल यानी कि यूआर जो कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हैं, तो 103 मार्क्स पे जो है वो लास्ट सीट कैंडिडेट्स को अलॉट हो गई है, जो कि हमने फ्रेंड जब वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो बनाई थी लेटेस्ट अपडेट की, उसमें हमने डिस्कस भी किया था। एक बार हम लोग यूपी की कट ऑफ भी देख लेते हैं। सबसे टॉप पे आपका नंबर वन KGMU लखनऊ का कॉलेज है, जिसकी जो है वो 660 मार्क्स पे ओपन कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ था। हम यहाँ पे बात करेंगे अभी गवर्नमेंट की ओवरऑल क्लोजिंग की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूपी में काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। हम ओवरऑल क्लोजिंग की बात करेंगे। एक बार प्राइवेट की क्लोजिंग जो है सभी कॉलेजेस की हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, लास्ट ईयर भी शारदा आपका टॉप पे था, इस साल भी शारदा ने अपनी जो जगह है वो नंबर वन पे टॉप पे बना रखी है। 469 पे कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई है। बाकी का आप पूरा चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आप लोगों को सारी दिख रही है। ये वो कॉलेजेस हैं जिनकी फीस जो है वो 11 लाख से 13 लाख के अंदर अंदर आती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए ईरा जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, 16,60,000 फीस है। माइनॉरिटी पर 191 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई है। और ऐसे ही हम आगे बात करते हैं, तो आपको पता है यूपी में 5 कॉलेजेस हैं माइनॉरिटी के, जिनमें से 4 में मुस्लिम माइनॉरिटी चलती है, 1 कॉलेज में आप लोगों की जैन माइनॉरिटी चलती है। माइनॉरिटी में ईरा मेडिकल कॉलेज जो है वो आपका टॉप पे आता है, नंबर वन पे, क्योंकि काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है आप लोगों की, 1997 की यूनिवर्सिटी है। कॉलेज में पीजी अवेलेबल है, पीजी चलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज होते हैं वो सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारा तीर्थांकर, जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है, लेकिन जो माइनॉरिटी के कॉलेजेस होते हैं इनमें फ़ीस ज़्यादा होती है। सीट्स इनमें जनरल की भी होती हैं कि आप मतलब अगर आपने ईरा मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग की होगी तो देखिए लास्ट 255 पे कैंडिडेट्स को सीट मिल गई है, ठीक है। तो सीट इसमें जनरल की भी होती है, लेकिन जनरल लेकिन फीस में कोई डिफरेंस नहीं होता। माइनॉरिटी को भी 16,60,000 देने हैं, ओपन को भी जो जनरल के कैंडिडेट जा रहे हैं उन्हें भी 16,60,000 देने हैं। तीर्थांकर की बात करें, तीर्थांकर 227 पर लास्ट क्लोज हो गया है ओपन के लिए। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कैरियर मेडिकल कॉलेज, लखनऊ का कॉलेज है 2011 का, तो जो लास्ट सीट अलॉट हुई है 158 पे हुई है। इंटीग्रल की बात करते हैं तो 173 पे, और एफएच की बात करते हैं तो 94 मार्क्स पे। अब हम इन को हटा के बात करते हैं माइनॉरिटी के कॉलेजेस को, तो लास्ट ईयर भी वरुण अर्जुन लास्ट था जिस पे सीट मिल गई थी, और इस साल भी वरुण अर्जुन पर लास्ट 103 मार्क्स पे सीट जो है कैंडिडेट को मिल गई है। और फीस आप देख सकते हैं 12,10,000 आप लोगों की एनुअली यहाँ पे ट्यूशन फीस है। तो यूपी की कट ऑफ में फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इस साल जो है वो देखने को मिले हैं। रीज़न फ्रेंड्स आप लोगों का ये रहा कि जब यूपी की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी तब आपकी ओवरऑल इंडिया की पैन इंडिया की काउंसलिंग जो थी वो रिजल्ट उन लोगों के डिक्लेयर हो गए थे, यानी कि सिर्फ रिजल्ट जिनके रह भी गए थे उनके रिजल्ट जो थे उस दिन डिक्लेयर होने वाले थे। तो यूपी की काउंसलिंग लेट स्टार्ट हुई थी, तो जो कैंडिडेट्स थे वो अलग अलग स्टेट्स में जैसे हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, इस साइड के लिए जो थे कैंडिडेट्स काउंसलिंग के लिए चले गए थे। तो आप लोगों का काउंसलिंग का रीजन तो फ्रेंड यहाँ पे यही निकल के आ रहा है। अब हमने बात कर ली प्राइवेट कॉलेजेस की, और एक्सपेक्टेड की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या जा सकती है। तो अगर हम एक्सपेक्टेड की फ्रेंड कट ऑफ की बात करते हैं तो फर्स्ट राउंड में आपकी कट ऑफ जो है 103 मार्क्स तक पहुंच गई है, ठीक है। ये 103 मार्क्स आप लोगों को पता है कि जो हमारे जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं जनरल के लिए 117 है, SC ST OBC के लिए डिफरेंट है। तो अगर हम सेकेंड राउंड की एक्सपेक्टेड फ्रेंड यूपी में कट ऑफ बात करते हैं सेकेंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो अभी तो आपका सीट मैट्रिक्स का पहले वेट करना पड़ेगा सेकंड राउंड की, क्योंकि अभी तक सीट मैट्रिक्स आई नहीं है। चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट होनी है लेकिन अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। सीट मैट्रिक्स फ्रेंड्स आपकी यूपी की लास्ट ईयर भी सेकंड राउंड की नहीं आई थी, फर्स्ट राउंड की भी नहीं आई थी। जब काउंसलिंग कर रहे थे तो उस टाइम पर हम लोगों को सीट्स शो हो रही थी कि कितनी सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन इस साल फर्स्ट राउंड की सीट मैट्रिक्स जो है वेबसाइट पे आ गई थी। सेकंड राउंड का वेट कर रहे हैं, वो सीट से पता चलेगा कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, उसी के बाद फ्रेंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन अभी यह है कि 200 मार्क्स तक जो है 200 के अंदर अंदर जो है कैंडिडेट को सीट अलॉट हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड की बात करते हैं तो 103 तक जो है कट ऑफ पहुँच गया है। तो सेकेंड राउंड में फर्स्ट ईयर फर्स्ट राउंड से कंपैरिजन करते हैं तो सेकेंड राउंड में मेरिट लिस्ट आप लोग चेक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, जिसमें से जो है आपके फ्रेंड अपग्रेड वाले भी कैंडिडेट्स हैं, ऑब्वियस सी बात है अपग्रेड के भी कैंडिडेट्स हैं, न्यूली रजिस्टर्ड भी कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया था, अब सिक्योरिटी पे की है वो वाले भी कैंडिडेट हैं। तो फर्स्ट ईयर की मेरिट के अकॉर्डिंग सेकेंड राउंड की जो मेरिट लिस्ट है उसमें कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट में जो लास्ट सीट अलॉट हुई है जनरल को 606 मार्क्स पर अलॉट हो गई है, बीसी कैंडिडेट्स को 605 पे अलॉट हो गई है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 603 पे,
एंड एससी कैंडिडेट को 441 पे एंड एसटी को 200 मार्क्स पे सीट जो है वो अलॉट हो गई है। यहाँ पे भी ओपन जीएल आप लोगों का चलता है, जीएल यानी कि गर्ल, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड की बात करते हैं तो फर्स्ट राउंड में 606 तक पहुँच गई है, लेकिन सेकंड राउंड में 599 तक है कि जनरल को और ओबीसी को सीट मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस का 598 तक पहुँच सकता है, एससी कैटेगरी का 435 मार्क्स एंड एसटी कैटेगरी का 195 तक है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि कट ऑफ यहाँ तक पहुँच सकती है। ऐसे ही अब हम लास्ट बट नॉट लीस्ट की बात कर लेते हैं एचपी की, हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल का जो रिजल्ट है वो सेकेंड राउंड का आज फ्रंट मॉर्निंग में ऑफिशियल वेबसाइट amru.hp.nic.in पर रिलीज कर दिया गया है। अलॉटमेंट लेटर जो है वो अभी डाउनलोड होना स्टार्ट नहीं हुआ है। आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आप लोग जानते हैं 24 आवर्स के अंदर अंदर लिंक एक्टिव हो जाता है, बट अभी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आप लोगों को जो सीट अलॉट हुई है आप लोग अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड कीजिए, उसके बाद अपनी ज्वाइनिंग कीजिए। ज्वाइनिंग के लिए आप लोगों को पता है कि ज्वाइनिंग अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद 2 फोटो कॉपीज, 10 नीट में जो आपने फोटो सबमिट की थी नीट के एप्लीकेशन के लिए वो वाली फोटो, और उसके बाद गैप का सर्टिफिकेट, मेडिकल का सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल लीजिए, फोटो कॉपी लीजिए, ज्वाइनिंग के लिए कॉलेज में जाइए लास्ट डेट से पहले पहले। अब हम क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। तो ये सेकंड राउंड की क्लोजिंग है फ्रंट गवर्नमेंट की। आप लोगों को पता है प्राइवेट में वहाँ पे एक ही कॉलेज है एमएमयू सोलन, जिसके लिए काफ़ी सारे कैंडिडेट जो हैं वो काउंसलिंग करते हैं। लेकिन हम बात करें तो आप लोगों को पता है हिमाचल में जैसे आईजीएमसी शिमला है, इनमें जो सीट्स होती हैं वो आप लोगों की कम होती हैं, जिसमें से फर्स्ट राउंड की सीट फिल हो जाती हैं, सेकंड राउंड की सीट फिल हो जाती हैं, उसके बाद जो होता है वो आपके मॉपअप तक सीट्स अगर अवेलेबल रहती हैं तो उस कंडीशन में उस सीट उस कॉलेज के लिए काउंसलिंग होती है। सीट्स अवेलेबल नहीं रहती हैं तो ऑब्वियसली बात है सीट्स अवेलेबल नहीं होंगी तो काउंसलिंग कैसे हो पाएगी फिर। तो अभी आप लोगों की एक्सपेक्टेड फ्रेंड इसकी जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे लेटेस्ट अपडेट की एचपी का, उसमें हम तब डिस्कस करेंगे जब मॉपअप की सीट मैट्रिक्स आ जाएगी कि कितनी सीट्स जो हैं वो कैंडिडेट्स के लिए अभी पेंडिंग में, अभी वेकेंट जो सीट्स हैं वो रह गई हैं, ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं एमएमयू सोलन की। तो एमएमयू सोलन देखिए फर्स्ट राउंड में 330 आप लोगों का 366 मार्क्स पर कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई थी मैनेजमेंट कोटा से, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा से और अदर स्टेट के कैंडिडेट को। राउंड टू की बात करते हैं तो राउंड टू में 237 यानी कि आप देख सकते हो 100 प्लस से ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिला है। अब मॉपअप की बात करते हैं तो मॉपअप में 270 मार्क्स तक है जो आपका एमएमयू सोलन कॉलेज जो है वो जा सकता है, यानी कि आप देख सकते हो फर्स्ट राउंड में तो 200,000 तक रैंक तक पहुंच गया था लेकिन सेकंड राउंड में 400,000 पे क्लोज हो गया था। तो इसलिए लास्ट ईयर का भी अब अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं और अभी फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड का कंपेरिजन करते हैं तो मॉपअप में जो एमएमयू सोलन है वो 270 मार्क्स तक कैंडिडेट को सीट जो है वो मिल जानी चाहिए। और फ्रेंड आपके देखिए कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनमें सेकंड राउंड में तो कम जाता है कट ऑफ बट मॉपअप में कट ऑफ इंक्रीज़ हो जाता है, चाहे आप लास्ट ईयर से 2021 की हम लोगों ने जो काउंसलिंग डन की है उनके कट ऑफ से मैच करें तो, जैसे कि आप लोगों का उत्तराखंड हो गया, आप लोगों का हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, इनमें क्या काउंसलिंग का पैटर्न रहता है कि फर्स्ट राउंड में तो जो कट ऑफ होगा वो आपका हाई होगा, सेकंड राउंड में कट ऑफ थोड़ा लो हो जाता है, उसके बाद जो कट ऑफ होता है मॉपअप राउंड में जंप कर लेता है, मॉपअप में कट ऑफ हाई हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो आप लोगों का प्रोसेस रहता है वो इस तरीके से रहता है, अपोजिट रहता है कि फर्स्ट राउंड में जो आप लोगों को सीट हाई मार्क्स पर अलॉट हुई है वही आप लोगों को फिर सेकंड राउंड में मॉपअप राउंड में जो होता है वो कम चला जाता है। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा ओवरऑल इंडिया की हमने अभी यहाँ पे बात की है कि ओवरऑल इंडिया में जिनके आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं, कुछ क्लोज स्टेट हैं जिनके जैसे आपका एमपी है, झारखंड है, इनका फ्रेंड अभी इन लोगों का नहीं है लेकिन जो आप लोगों के काफ़ी ओपन स्टेट है इनका पूरा ये क्लोजिंग कट ऑफ है सेकंड राउंड की मॉपअप राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और साथ ही साथ फ्रेंड राजस्थान और डीम्ड के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि डीम्ड में भी आपके पौंडुचेरी, तमिलनाडु के कॉलेजेस जो हैं वो आप लोगों के मॉपअप राउंड तक, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जो है वो आप लोगों को डिस्काउंट दे देते हैं कि मतलब कैंडिडेट जो है क्योंकि फ़ीस हाई होती है, अब सब लोग इतनी फ़ीस पे नहीं कर सकते हैं तो वो लोग डिस्काउंट दे देते हैं। राजस्थान की फ़ीस हाई हो गई है लेकिन राजस्थान में भी आप लोगों को डिस्काउंट जो है वहाँ पे मिल जाएगा। आप लोगों को इतनी नॉलेज है काउंसलिंग की तो ऑब्वियसली बात है आप लोग कर सकते हैं, वरना फ्रेंड आप लोग हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, हमारे जो काउंसलर हैं, उन लोगों की हेल्प भी ले सकते हैं। सो यही सारे डिटेल्स थी, एक बार आप इसको जल्दी जल्दी सबको देख लीजिए। अभी फ्रेंड आपका सेकंड राउंड भी काफ़ी स्टेटमेंट डन हो गया है, चॉइस फिलिंग प्रोसेस में है, रिजल्ट आप लोगों का, रिजल्ट का वेट हो रहा है, उसके बाद फ्रेंड मॉपअप राउंड की काउंसलिंग चलेगी आप लोगों की तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे सेपरेट वीडियो की, सेकंड राउंड की जो कट ऑफ गई है उसके अकॉर्डिंग मॉपअप में क्या कट ऑफ जो है वो रह सकती है। ये आप लोग लास्ट ईयर का राजस्थान का है, ये अभी हमारा जो डन हुआ है उसका है।
सो फ्रेंड यस, यही सारे डिटेल्स थी नीट यूजी पीजी आयुष से रिलेटेड। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।